Hey guys, ये है डेली ब्लॉगर का हाल। देखिए अभी दिन का बज रहा होगा 8 आठ बारी है क्या और अभी तक सो रहे। देखिए अब सर जी, रात को लेट हो गया था रात को लेट हो गया, मन में आलसी है हा? अभी ऊपर दीपू भैया भी एकदम आराम से खराटे मार के सो रहे होंगे। हाँ यार, दीपू भैया का आलसी पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। कि आप लोगों को पता है आज 15 अगस्त है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुबह का टाइम है और दीपू भैया गए हैं फ्लैग लाने, झंडा लाने, और वो लाएंगे तो फिर हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकर चला आए भैया, हाँ देख सकते हैं दीपू भैया लेकर चला आए हैं फ्लैग। अभी बच्चे खड़े हैं, आओ आज झंडा लहराए दियो रे मोरे झंडा तिरंगा। आज मुझे झंडा के नीचे सारे मास्टर खड़े हैं, झंडा के नीचे सारे मास्टर खड़े हैं। वाह वाह, क्या बात है दीदी, बहुत अच्छा गाए दीदी। अभी आज 15 अगस्त तो आज एक सॉन्ग सुना रही थी, बहुत अच्छा लगा दीदी। आज 15 अगस्त है, आप लोग को सभी हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, इसको भैया को सपोर्ट कीजिए कि आगे बढ़े। क्या बात है, देखिए आप लोगों को कि आज भारत आजाद हुआ था, इस दिन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि इस फ्रीडम को पाने के लिए ना जाने कितने लोग अपने जान की कुर्बान किए हैं। चलिए अभी हम लोग दीपू भैया, राजा भैया और दीपू भैया के मम्मी सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस, आज स्वतंत्रता दिवस है और हम सोचे हैं इस दिवस को अपने फैमिली के साथ मनाएं। दीपक भाई है और ये बच्चे लोग हैं, घर के सब बच्चे हैं। दिवस को हमको सब लोग पूरे परिवार को मिलकर मनाना चाहिए। लगा दिए झंडा है तो गाइस, हमारे हाथ में भी झंडा। तो गाइस देखिए, इस खुशी को पाने के लिए ना जाने कितने घर उजड़ गए, कितने लोग शहीद हो गए, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। बहुत मुश्किल से मिली है, इसे इस तरह से खोना नहीं चाहते। और भी अच्छा से इस देश को हम लोग बनाना चाहते हैं, यूथ में पावर है कि इस देश को और अच्छा कर सकते हैं। तो यार हिम्मत करो, अपने काम को और आगे बढ़ाओ, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन। ये देख सकते हैं मिठाई लाए हैं। तो इसकी आजादी के लिए कितना गर्व से कह रही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बड़े भैया के लोग लड़के हैं जो घर के बगल वाले में देश बचाएंगे, अपने देश खातिर जान कुर्बान कर देंगे, अपना देश आजाद करेंगे। सब लोग बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों मैं मम्मी जी को अपनी तरफ से भी मिठाई खिलाना चाहूंगा। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन पे हमारे दादाजी जो है एक आप लोग को छोटा सा गाना सुनाएंगे, जो कि ये बचपन से अंधे हैं और ये गाने होने का बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट करते हैं। लहर लहर लहराई हो मेरी झंडा तिरंगा, लहर लहर लहराई हो मेरे झंडा तिरंगा, उनहु पर फूल बरसाई हो मेरी झंडा तिरंगा, उनहु पर फूल बरसाई हो जहाँ झंडा तिरंगा, लहर लहर लहराई हो मेरी झंडा तिरंगा, लहर लहर लहराई हो मेरे झंडा तिरंगा। झंडा के नीचे महात्मा गांधी खड़े, झंडा के नीचे महात्मा गांधी खड़े, झंडा के नीचे सुभाष बोस खड़े, झंडा के नीचे सुभाष बोस खड़े, उनहू पर फूल बरसाई हो मेरी झंडा तिरंगा, उनहू पर फूल बरसाई हो जहाँ झंडा तिरंगा, लहर लहर लहराई हो मेरी झंडा झंडा तिरंगा। आप लोग को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस देखिए, और भैया का फैमिली हमारे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करकर बहुत ही मजा आया। सबसे बड़ा शुक्रिया अदा उनको करना चाहूंगा, जो इंडियन आर्मी जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर चैन की सांसें ले रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग इतना सुरक्षित अपने घरों में चैन की नहीं ले रहे, नहीं तो वरना कैसे ले सकते थे। दोस्तों मैं बता दूं, मैं अपने अभी घर से दूर हूं और दीपू भैया घर पे हूं, उनके फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि मैं अभी
अपने घर पे नहीं हूँ और मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा प्रणाम है और मम्मी पापा आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपका बेटा, आपके आशीर्वाद के बिना आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं मम्मी पापा के साथ हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में सक्सेस पाने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। मतलब बोल सकते हैं यार, मम्मी पापा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने बिहार के लिए, अपने इंडिया के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। और अगर भाई बहन देख रहे हैं तो उनको भी आशीर्वाद है मेरे तरफ से। और प्रदुमन देख रहे हैं और विकास देख रहे हैं और मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, मेरे मतलब आस पड़ोस से जो भी देख रहे हैं, तो उनको भी मेरा प्रणाम है। और बस आपका बेटा, आपका भाई, आपका पोता कुछ करना चाहता लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, देश के लिए नाम रोशन करना चाहता है, आप लोगों का नाम रोशन करना चाहता हूँ लाइफ में। इसके लिए मैं बहुत जगह बहुत ठोकरे खाया, बहुत इधर उधर मतलब बहुत प्रॉब्लम झेली। ये सब चीज़ आप लोगों से ही हो सकता है गाइज, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हो सकता है। खास करके इंडियन आर्मी और उन किसानों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपने देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, उनकी वजह से सारा देश चैन की नींद ले रहा है। ये बंदा राजा नहीं है, ये देश का राजा है, समझ रहे हो ना? मतलब सच में, अब जो लोग बोलते हैं ना कि भाई घर को दिखाकर, फैमिली को दिखाकर ये वायरल हो गया, इतना कुछ हासिल करा, नहीं यार, टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है जो हर किसी में नहीं है, तभी तो क्या कर दिन भाई हो यार, ऐसे मत बोलिए, फिर हमको कर्ज उतारना पड़ेगा, फिर कर्ज डाल रहे मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े भैया हैं हमारे, और आपका आशीर्वाद रहा तो हम भी कुछ जरूर करेंगे, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जरूर करेंगे। इंडिपेंडेंस डे है आज, इमोशनल है, अपने देश के लिए डेडिकेशन देना, देश के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो डेडिकेट करना, ताकि लोग कुछ सीखे हमसे, क्योंकि हम एक ब्लॉगर है, और ब्लॉगर हमको बढ़िया एक संस्कार मिला है माँ बाप की तरफ से, उस तरह से क्रिएट, ताकि वो हमसे प्यार सीखे और हम सब कई सारे लोगों के इंस्पिरेशन बने, उनको कुछ सीख देना है, ठीक है? डिमोटिवेट मत होइए, डिमोटिवेट होने का होता है थोड़ा डिमोटिवेट, बट आज हमारे खुशियों का दिन है, खुशियां मनाइए, पार्टी शार्टी कीजिए, जरूर जरूर जरूर। तो दोस्तों एक चीज मैं नोटिस करता हूँ हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर, कि लोग जब झंडा फहराते हैं ना, उसके बाद जो झंडा ऐसा रहता है, लोग रोडों पर बिक देते हैं, प्लीज उन्हें इज्जत कीजिए अपने। मैं पर्सनल गुस्सा कर रहा हूँ कि अगर अगर ऐसा हरकतें कोई करते दिख गए तो उनको मेरा पर्सनल वहीं पे कूटिए, वहीं पे कूटिए। हाँ, ये जो झंडा जो खिलता है ना, ये यूं ही हवा में नहीं खिलता है, कितना की खून पसीना की गाइस, आपको पता है आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज हम लोग गर्व से कर रहे हैं, मना रहे हैं कि उन लोग के बेटे से पूछिएगा जो जवान सैनिक बॉर्डर पे आता है, खड़े हैं हमारे देश के लिए, हमारे आंख में आंसू है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ यार कि एक आर्मी भाई, अरे देखिए इमोशनल नहीं होना है, ये सब बॉर्डर पर किस तरह लोग जगते हैं, आज जग जग के करते हैं, तो मैं उन लोग को जय हिंद स्पेशल बोलना चाहता हूँ कि सर अगर आप लोग नहीं होते ना, तो हम लोग इस तरह नहीं मना पाते, आज ये खुशियाँ नहीं दिख पाते हम लोग के। अगर कोई सैनिक भाई देखे तो उनको दिल से सैल्यूट है। दोस्तों आपको सबसे कीमती वक्त निकाल कर देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूंगा, फिर मिलता है आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।